हाय फ्रेंड्स, इन लास्ट वीडियो हमने डेटा लिंक लेयर के बेसिक्स के बारे में समझा था और वहां पे हमने देखा था डेटा लिंक लेयर के दो सब लेयर में क्लासिफाई किया गया है। पहला सब लेयर था वो था लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, और दूसरा सब लेयर था वो था जिसको हम लोग मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर कहते हैं। तो जब लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर की बात करते हैं तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर के जो टास्क थे, जो टास्क अचीव किए जाते हैं एलएलसी सब लेयर पे, उनमें जो पहला टास्क था कि इसे ट्रांसमिशन सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है। तो ट्रांसमिशन सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमने वहां पे देखा था कि देयर आर वेरियस मेथड्स, दैट इज एसिंक्रोनस मेथड, सिंक्रोनस मेथड एंड सम विच आइसोक्रोनस मेथड। नाउ द सेकेंड टास्क विच इज, और द सेकेंड प्रॉब्लम विच इज सॉल्वड एट मैक्स सब लेयर, सॉरी एलएलसी सब लेयर, दैट इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर इन डेटा लिंक लेयर इन ओएसआई मॉडल, तो वो है फ्रेमिंग। और फ्रेमिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है जो डेटा लिंक लेयर पे जिस टास्क को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो बेसिकली फ्रेमिंग है क्या? तो फ्रेमिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि जब दो कंप्यूटर्स या दो नोड्स आपस में कनेक्ट होते हैं और उनके बीच में सिग्नल्स यानी बिट स्ट्रीम का डेटा ट्रांसमिशन होता है, तो यहाँ पे बेसिकली एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनता है नोड और कंप्यूटर्स के बीच में। और इन दोनों के बीच में जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है, दैट मीन्स जो बिट ट्रांसमिशन होता है, तो वो बेसिकली उस बिट ट्रांसमिशन को क्या करता है, उस बिट ट्रांसमिशन जो हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। सो एज द डेफिनेशन फ्रेमिंग इज व्हाट, तो फ्रेमिंग इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स और कंप्यूटर्स, कंसिस्ट ऑफ अ लिंक इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड एज अ स्ट्रीम ऑफ बिट्स। अब ये बात आती है कि ये जो बिट्स का ट्रांसमिशन हो रहा है उसका साइज क्या होगा। तो बेसिकली जो फ्रेम का साइज होगा वो उस डेटा सा वो उस लिंक के जो बिट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं वो उसका साइज होगा। तो फ्रेम्स, जब दो नोड के बीच में कुछ डेटा बिट्स फॉरवर्ड किए गए तो वो एक फ्रेम कहलाया, और इस तरीके से और भी फ्रेम्स ट्रांसफर ट्रांसमिट होते रहेंगे एक नोड से दूसरे नोड में। तो बेसिकली इसके आधार पे जो फ्रेम्स होते हैं वो फ्रेम दो तरीके के होते हैं। एक फ्रेम होगा जिसका साइज फिक्स्ड होगा, फिक्स साइज फ्रेम, और दूसरा तरह का जो फ्रेम होगा वो होगा वेरिएबल लेंथ फ्रेम। तो हम लोग फिक्स्ड साइज फ्रेम की बात कर रहे हैं, दैट मींस कि हम लोग उस सिस्टम की बात कर रहे हैं, फ्रेमिंग का वो तरीका वो या वो अप्रोच जहां पे जो हर फ्रेम होगा उस हर फ्रेम का जो लेंथ होगा उसका जो साइज होगा वो बराबर होगा सारे के सारे फ्रेम्स के। जबकि हम लोग जब वेरिएबल लेंथ फ्रेम्स की बात करेंगे तो वहां पे हर फ्रेम का जो लेंथ होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे एक डिफिकल्टी आती है, एक प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम ये है कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि फ्रेम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और फ्रेम एंड क्यों कहाँ हो रहा है। बेसिकली बात यहाँ पे ये आती है कि जब हम लोग बिट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, एक लिंक बना और उसमें बिट स्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है, पास कर रहा है, लिंक पे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो जब हम बात कर रहे हैं एक फ्रेम की और उसके बाद फिर दूसरा फ्रेम है, फिर तीसरा फ्रेम है, फिर चौथा फ्रेम है, और हर फ्रेम में तो बिट स्ट्रीम ही ट्रैवल कर रहा है, 1 0 1 0 1 है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब, हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा जो ये फ्रेम कहाँ स्टार्ट हुआ और ये फ्रेम कहाँ पे एंड हुआ। तो ये जो स्टार्ट और एंड जो आइडेंटिफिकेशन है, इसके लिए ये जो प्रॉब्लम है फ्रेमिंग में उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स आए, जिसमें एक पहला मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है, या कह सकते हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग, दीज आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग और द मेथड्स विच इज यूज्ड इन फ्रेमिंग। तो पहला हमारा मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टर काउंट, दूसरा मेथड है कैरेक्टर स्टफिंग, और तीसरा है बिट स्टफिंग। तो जब हम लोग कैरेक्टर काउंट की बात करते हैं तो सिंपली लेट सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल से लेते हैं कि हमारे पास एक वर्ड है, हम भेजना चाहते हैं हेलो। सो व्हाट इज द कैरेक्टर काउंट, जब हम लोग फ्रेमिंग की बात कर रहे हैं तो हम लोग इस हेलो को अगर सिंपली मान लेंगे कि ये बिट्स है, एक बिट स्ट्रीम है, तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स हियर, वी हैव 5 कैरेक्टर्स। तो यहाँ क्या किया गया, एक 5 लगा दिया गया, बीच में एक सेपरेटर रखा गया, कोई एक ऐसा कैरेक्टर डाला गया जो एज ए सेपरेटर यूज हो रहा है, और ये क्या किया गया, इस पर्टिकुलर थिंग को दूसरे रिसीवर एंड पे भेज दिया गया। रिसीवर एंड क्या करेगा, जब इसे रिसीव करेगा और वो इसको रीड करेगा, 5 5 को उसने रीड किया, इसके बाद का जो वैल्यू है दैट इज द सेपरेटर, यानी जो कैरेक्टर उसके पास आया है वो हेलो है जिसमें कि 5 कैरेक्टर है। तो इस तरीके से अब इस 5 को यहाँ पे रिसीवर एंड पे क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा, सेंडर एंड पे इसको लगाया गया जितने कैरेक्टर है, और सेपरेटर से उसको अलग किया गया और रिसीवर एंड पे उसको हटा दिया गया।
तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कैरेक्टर काउंट मैकेनिज्म ऑफ फ्रेमिंग। वहीं पे जब हम लोग बात करें, हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टर स्टफिंग। तो कैरेक्टर स्टफिंग क्या होता है, यहाँ पे एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ कैरेक्टर यूज किया जाता है। स्टफिंग का मतलब आप समझ रहे हो कि बीच में जो हमारा डेटा है वो बीच में है और उसके आगे और पीछे हमने कुछ ऐड कर दिया, दैट मीन्स स्टफिंग। तो इसमें क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं डी एल ई एस टी एक्स एंड डी एल ई सॉरी डी एल ई ई टी एक्स। दिस स्टैंड्स फॉर स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट एंड दिस स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ टेक्स्ट। सो ये जो एक्सटेंशन है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टर स्टफिंग की, तो कैरेक्टर स्टफिंग क्या होगा, जब भी कोई कैरेक्टर सेंड किया जाएगा तो उसके कैरेक्टर इनके बीच में कहीं पे होगा। स्टार्ट में हम क्या करेंगे DLESTX लगाएंगे और एंड में DLEATX लगाएंगे। मतलब ऐसा कुछ मैकेनिज्म यूज किया जाता है जिससे कि दो कैरेक्टर की बाउंड्री बन सके, मतलब उसका स्टार्ट ये है और उसका एंड ये है। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रेम को, एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से अलग किया जाता है। उसी तरीके से जब हम लोग बिट स्टफिंग की बात करते हैं तो बिट स्टफिंग में भी कुछ ऐसा ही इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी ही टेक्नोलॉजी या ऐसा ही मेथोडोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि स्पेशल टाइप ऑफ बिट्स पैटर्न को यूज किया जाता है स्टार्ट पे लगाने के लिए और एंड पे लगाने के लिए, जिससे कि उसके इन बिटवीन जो बिट स्ट्रीम होंगे वो आइडेंटिफाई हो सके कि ये बिट स्ट्रीम दूसरे बिट स्ट्रीम से क्या है, डिफरेंट है। सो दिस इज द बेसिकली मेथड्स फॉर विच इज यूज फॉर फ्रेमिंग। नाउ वी हैव सम अनदर टास्क विच आर डील्ड एट LLC सब लेयर, और उसमें जो पहला टास्क था वो था हमने ट्रांसमिशन सिंक्रोनाइजेशन की बात कर ली, ट्रांसमिशन सिंक्रोनाइजेशन, फिर हमने फ्रेमिंग की बात करी। अब यहां पे जो बात आती है वो कनेक्शन सर्विसेज की है, और जब लोग कनेक्शन सर्विसेज की बात करते हैं तो इस कनेक्शन सर्विसेज को हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी देखा था कि पहला तरह का जो कनेक्शन सर्विस था वो था अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विसेज, दूसरा था एक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विसेज, और तीसरा था एक्नॉलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। दैट मीन्स ये तीन तरह के कनेक्शन है जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। मैं फिर से यहाँ पे आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर हम लोग बात करें कनेक्शन अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विसेज, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई कनेक्शन पाथ डिफाइन नहीं किया जाएगा और ना ही डेटा रिसीव होने के बाद उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय द डेटा लिंक लेयर। द सेकंड थिंग, द सेकंड टाइप ऑफ सर्विसेज इज कनेक्शन लेस एक्नॉलेज्ड सर्विस, यानी पाथ नहीं बनाया जाएगा बट हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि जो डेटा हमने डिलीवर किया है, जो बिट्स डिलीवर किए गए उसके बदले हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। दैट मींस इट इज, ये गारंटी हो रही है कि डेटा डिलीवर हुआ है। और वहीं पे जो तीसरी तरह की सर्विस है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगा, पाथ भी बनाया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कनेक्शन ओरिएंटेड एक्नॉलेज सर्विस। तो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी डेटा लिंक लेयर पे। वहीं पे हमारे पास एक और भी जो टास्क था यहाँ पे वो था एरर कंट्रोल का, और एरर कंट्रोल बेसिकली जो एरर कंट्रोल का मैकेनिज्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो हमने वहां डिस्कस करा था सीआरसी और चेकसम को। तो सिंपली यहाँ पे भी सीआरसी और चेकसम को यूज किया जाता है फॉर एरर डिटेक्शन एट डेटा लिंक लेयर। द नेक्स्ट थिंग वी हैव फ्लो कंट्रोल, एंड फ्लो कंट्रोल बिल्कुल फ्लो कंट्रोल जो यूज किया जा रहा था ट्रांसपोर्ट लेयर वैसा ही फ्लो कंट्रोल डेटा लिंक लेयर पे भी यूज किया जाता है। बस जब हम लोग फ्लो कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो वो सेगमेंट लेवल पे होता है, पैकेट्स लेवल पे होता है, और जब हम लोग डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल जो होता है वो फ्रेम लेवल पे होता है। तो फ्लो कंट्रोल के बारे में हमने वहां डिस्कस किया था कि फ्लो कंट्रोल बेसिकली दो तरह के, पहला था हमने स्टॉप एंड वेट के बारे में देखा था, और दूसरा तरह का जो फ्लो कंट्रोल हमका मैकेनिज्म था उसको हमने कहा था स्लाइडिंग विंडो। और इस स्टेप स्टॉप एंड वेट को हमने वहां डील किया था, और हमने कहा था कि स्लाइडिंग विंडो को हम लोग आने वाले डेटा लिंक लेयर के सेशंस में देखेंगे। तो फिर से मैं एक बार स्टॉप एंड वेट
को यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा, स्टॉप एंड वेट क्या था बेसिकली। तो जब हम लोग स्टॉप एंड वेट की बात करते हैं तो बेसिकली स्टॉप एंड वेट को समझने से पहले हम लोग फ्लो कंट्रोल को थोड़ा समझे कि फ्लो कंट्रोल बेसिकली क्या है। तो फ्लो कंट्रोल बात करता है कि जब भी आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को या एक नोड से दूसरे नोड को या एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन को अगर डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, बिट्स ट्रांसमिट कर रहे हो, फ्रेम्स ट्रांसमिट कर रहे हो, सेगमेंट ट्रांसमिट कर रहे हो, पैकेट्स ट्रांसमिट कर रहे हो, यानी जो भी आप ट्रांसमिशन कर रहे हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों मशीन इक्वल होंगे? तो जब नोड ए नोड बी को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो नोड ए जिस डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को यूज कर रहा है, क्या नोड बी उसी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को यूज करके उस डेटा को एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या उसकी स्पीड कम है ताकि वो एक्सेप्ट ही ना कर पाए डेटा। बेसिकली अगर देखते हैं ये एक मशीन है, वो मशीन 100 Mbps पे डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, वहीं जिस मशीन को वो डेटा सेंड किया जा रहा है उस मशीन की स्पीड 10 Mbps है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी सेकेंड 90 MB डेटा लॉस हो सकता है अगर दोनों की स्पीड इक्वल नहीं है। तो फ्लो कंट्रोल में हमें इसी बात पे ध्यान देना होता है कि जो दो मशीन आपस में डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं, क्या वो दोनों मशीन सिंक्रोनाइज्ड हैं या नहीं है, ताकि जो डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी होगी उस पॉसिबिलिटी को हम लोग क्या कर सके, लो कर सके या कम कर सके या खत्म कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।